अमर पुरुषन का अध्ययन करेंगे। ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, क्या है ये? तो किसी भी भाषा में किसी कथन को शुद्ध लिखने, पढ़ने या समझने के लिए कुछ दिशा निर्देश या नियम कानून होते हैं, उन्हीं को हम व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। कहने का मतलब यह कि यदि किसी बात को कहनी हो या उसको लिखनी हो या समझना हो तो ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कह दें, उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हीं नियम कानून को हम ग्रामर कहते हैं। और यह प्रत्येक भाषाओं में होती है, प्रत्येक भाषा में कुछ न कुछ उसके दिशा निर्देश होते हैं और नियम कानून होते हैं। अभी इस ग्रामर में हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू एट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। कह रहा है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, सभी अंग्रेजी के शब्द आर डिवाइडेड इंटू एट ग्रुप, आठ भागों में डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्क, ये किस रूप से बटे होते हैं? अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के हिसाब से बटे होते हैं। दे डू इन ए सेंटेंस, जो एक वाक्य में जो उनका कार्य है उसके हिसाब से ये बटे होते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, प्रत्येक ग्रुप को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखें अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों एवं कार्य, वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, कह रहा है कि उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से आठ भागों में बांटा गया है। मीन्स उनके अकॉर्डिंग टू दी वर्क, वर्क के हिसाब से उनको एट पार्ट में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को जो आठ भाग में बांटा गया है, तो मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, उन भागों में से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए ये निम्न है, कौन कौन जो आठ पार्ट हैं इसके, पार्ट ऑफ स्पीच के, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो आठ भाग हैं ये आपके हैं। पहला है नाउन, तो इस नाउन को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। एक हिस्सा, ये नाउन जो है एक हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। उसी तरह से एक पार्ट प्रोनाउन है, एक पार्ट एडजेक्टिव है, एक पार्ट वर्ब है, ऐसे आठ पार्ट हैं और ये अलग अलग इनका कार्य है और इनका प्रयोग भी अलग अलग है। तो वाक्य में इनका प्रयोग कैसे होता है और इनके कार्य क्या हैं, उस हिसाब से इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे थोड़ी सी चर्चा हम करते चलेंगे,
इसके बारे में अगले चैप्टर में हमें विधिवत पढ़ना है, तो हल्का फुल्का केवल चर्चा करते चले हम। जैसे ये नाउन है, देख रहे हैं संज्ञा, ये नाउन की थोड़ी सी डिफिनेशन और एग्जाम्पल हम यहाँ केवल चर्चा कर लेंगे। तो नाउन क्या है, तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, ये नाउन का डिफिनेशन है, परिभाषा है, किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, विचार या अनुभव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए होंगे, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, विचार या अनुभव का यदि नाम आ रहा है तो आपका संज्ञा कहलाएगा। यानी ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया। एग्जाम्पल हम देंगे, जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है। देलही किसी स्थान का नाम है। डॉग किसी जानवर का नाम है। चेयर किसी वस्तु का नाम है। चाइल्डहुड ये विचार का नाम है, अनुभव है। तो इत्यादि जो शब्द आएंगे ये सब नाउन कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। उसके बाद दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन के बारे में थोड़ा देखें, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले आता है। यानी नाउन अभी हमने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार के नाम को हमने कहा, तो उस नाम के जगह, यानी उस नाम को बार बार न लिख करके हम यदि कोई दूसरा शब्द लिखें और वह इंगित करता हो, इशारा करता हो नाउन की तरफ, तो वह शब्द हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। यानी वो नाउन की जगह पर आता है। तो इसके डिफिनीसन दे सकते हैं, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड, एक प्रोनाउन शब्द है यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन, वह नाउन के प्लेस, नाउन के जगह पर आता है। जैसे हम कहें राम का नाम लें, राम का नाम बार बार लेने से वाक्य बदापन हो जाता है, तो इसलिए हम वहाँ ही का प्रयोग कर सकते हैं। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, ईट, दे, यू, वी, बाकी बहुत से शब्द हैं जो प्रोनाउन की जगह पर आते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, जो नाउन के जगह पर आता हो प्रोनाउन कहलाता है। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण से ही लग रहा है कि यह किसी की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, तो ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इन दोनों की, नाउन की भी विशेषता बताया, प्रोनाउन की भी विशेषता बताया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसके गुणों की विशेषता को बताता है। जैसे एग्जाम्पल हम दें, हर, माई, योर, आवर, एज, एच, आल, ईटीसी, बहुत से शब्द हैं जो एडजेक्टिव हैं। उसके बाद वर्ब है क्रिया, किसी भी वाक्य को लिखने के लिए, बोलने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, तो क्रिया जो उस वाक्य में कार्य के भाव को बताता हो, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। वर्ब की परिभाषा में दे सकते हैं हम, ये वर्ब की परिभाषा में, कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। यानी हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स
जो डिनोट करता है एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल है टू ईट, टू प्ले, टू रीड, ये चीज़ें हैं जो वर्ब के बारे में बताती हैं। अगला हमारा है पांचवा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अब ये भी विशेषण शब्द है, ये भी विशेषता बताता है, लेकिन एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव और वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब और स्वयं एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, तो एडवर्ब कहलाता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, यानी दूसरे वर्ब, दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताए तो वो आपका एडवर्ब कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्लोली, केयरफुल्ली, सैडली, वेरी, इटीसी। अगला है छठवां प्रीपोजिशन है, संबंधवाचक अव्यय है। ये प्रीपोजिशन क्या है देखें, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। यानी प्रीपोजिशन क्या है, ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और पहले आकर के नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है यह नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और दूसरे आए हुए शब्दों का उनसे संबंध स्थापित करता है, यानी नाउन और प्रोनाउन का संबंध उस दिए गए शब्द के बीच स्थापित करता है, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो, जो दिखाता है इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, जो दूसरे शब्द हैं उनके बीच संबंध दिखाता है इन दिस सेंटेंस, वाक्य में। जैसे एग्जांपल देंगे इन, ऑन, टू, विथ, एट, ऑफ, इटीसी, बहुत से प्रीपोजिशन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा। सातवां है कंजक्शन, संयोजक अव्यय है। ये कंजक्शन का नाम सुने भी होंगे आप, कंजक्शन का मतलब होता है जो जोड़ने का कार्य करता है, कंजक्शन जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है, कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों, शब्द समूहों, कई शब्दों को जोड़ लेता है, कई शब्द समूहों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है या उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इसकी थोड़ी चर्चा और कर लीजिए, कंजक्शन इज ए वर्ड यूज टू गो इन वर्ड्स, फ्रेज, क्लाज आर सेंटेंसेज टूगेदर। एग्जाम्पल है एंड, बट, आर, बिकॉज, ये जो शब्द हैं वो शब्दों को, शब्द समूहों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। बट से जोड़ा जाता है, एंड से जोड़ा जाता है, आर से जोड़ा जाता है, बिकॉज से, इत्यादि शब्द हैं। इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन के भाव को व्यक्त किया जाता है, जैसे आश्चर्य हो,
दुख हो, प्रसन्नता हो या मन में किसी तरह के भाव उत्पन्न होते हों तो ये इंटरजेक्शन के तहत हम उनका व्यक्त करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग आर इमोशन, यानी तुरंत यदि हमारे अंदर कोई फीलिंग होती है या इमोशन होता है तो जो शब्द निकल करके सामने आता है उसे हम इंटरजेक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लाश, ओह, आह, हेलो इत्यादि शब्द जो हैं वो इंटरजेक्शन के तहत आते हैं। तो हल्के ही फुल्की हमने चर्चा कर दी नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में जब इनका चैप्टर आएगा नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह, तो इनकी हम विधिवत चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखें, कह रहा है कि शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। ये आप डिफिनीशन में भी देखें ऊपर कि इनका प्रयोग जो है हम वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग के हिसाब से उनको हम करते हैं। तो उनका कार्य क्या है उस दृष्टि से, उनका प्रयोग क्या है उस दृष्टि से हम उनको वर्गीकृत किए हैं। ठीक है, आगे देखें। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में अनेकानेक ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि ये किस विशेष पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये कहीं शब्द है, उस शब्द को हम बिना उनका प्रयोग और वाक्य में उनका स्थान को बिना देखे हम नहीं कह सकते कि वह क्या है। एग्जाम्पल से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आई लव माई कंट्री, कह रहा है लव माई कंट्री, तो यहाँ एक शब्द है जो लव है। दूसरा वाक्य है सी इज माई लव, यहाँ भी लव शब्द है। तो लव को हम बिना इस वाक्य में इनके स्थान, इनके प्रयोग, इनके कार्य के देखे बिना या इस लव का प्रयोग कार्य को देखे बिना हम नहीं कह सकते कि यह जो लव है वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि लव, ये जो लव है वह एक वर्ब है और यही लव यहाँ एक नाउन का कार्य कर रहा है, तो हम कहें कि यह शब्द लव जो है एक वर्ब है, और कहीं हम कहें कि लव नाउन है, तो कहीं नाउन और कहीं वर्ब नहीं होगा बिना उनके कार्य को देखे। दूसरा वाक्य देखें हम, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, यहाँ जो फास्ट शब्द है देखिए फास्ट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और यहाँ द बॉय रन्स फास्ट या फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा है, वही फास्ट है या फास्ट और या फास्ट, लेकिन इनके कार्य के हिसाब से, इनके स्थान के हिसाब से, इनके वाक्य में प्रयोग के हिसाब से हम एक जगह एडजेक्टिव कहे और दूसरी जगह एडवर्ब कहे, तो हम बिना किसी वाक्य को देखे ये नहीं कह सकते कि वह नाउन है कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो जब तक हमारे सामने एक वाक्य नहीं आएगा, उस वाक्य को हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि वह शब्द है क्या। यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में अनेकानेक ऐसे शब्द हैं जिनके प्रयोग वाक्यों में देखे बिना, देखिए ये बिना देखे, ये लव
और ये लव, इनको जब तक वाक्य में हम देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। कह रहा है देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि ये किस विशेष पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, यानी ये जो लव है वह कौन सा विशेष पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये लव वर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो वर्ब है, वर्ब का कार्य कर रहा है। यही लव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन एक पार्ट है, नाउन का कार्य कर रहा है। वही चीज़ है कि ये किस विशेष पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण अभी नीचे जो समझाया गया वही कह रहा है कि उदाहरण के लिए हम देखें कि एक शब्द लव लें तथा दूसरा शब्द फास्ट लें को लें, वाक्यों में इनके प्रयोग देखे बिना आप नहीं कह सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं, यानी कौन सा ग्रुप है। ये वर्ब का ग्रुप में आते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं या एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं, ये किस में आते हैं, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं। लेकिन वाक्यों में इन्हें देखने के बाद, जब इस वाक्य को हम देख लिए तो देखने के बाद आपके सामने कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है। तो यह चीज़ हमारे सामने कन्फ्यूजन नहीं रह जाता है कि यह क्या है। ठीक, तो देखें आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। तो इसको देख ही रहा है, आई मैं प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, लव प्रेम करता हूँ वर्ब का काम कर रहा है, कंट्री देश है नाउन है, नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, माई मेरा, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इस हिसाब से आई एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन का काम कर रहा है, सॉरी प्रोनाउन का काम कर रहा है, लव वर्ब का काम कर रहा है, माई एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कंट्री नाउन का काम कर रहा है। तो ये हमने यहाँ अलग अलग पार्ट कर दिया, एक सेंटेंस लिया और इस सेंटेंस को हमने कई पार्टों में विभक्त कर दिया। उसी तरह से सी इज माई लव, वह मेरा प्यार है, तो सी प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ किसी का नाम होगा, जैसे यहाँ माई के जगह पर किसी का नाम होगा, मेरा ही नाम हो, सी किसी का नाम होगा तो नाम की जगह पर आया है, तो ये प्रोनाउन है। इज वर्ब का काम कर रहा है, माई अब ये देखिए लव, लव क्या है तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है, यानी यहाँ भी नाउन के पहले माई आया है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है माई, उसी तरह से लव की विशेषता बता रहा है माई, तो माई एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसके पहले आता है, किसकी विशेषता बताता है, तो ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए, तो यहाँ ये प्रोनाउन नहीं है तो ये लव यहाँ नाउन है, यानी इसकी विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए यह लव नाउन का कार्य कर रहा है और यहाँ लव वर्ब का काम कर रहा है। ये जब हम इसको अलग अलग खंडित करेंगे, अलग अलग इनके बारे में समझेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन शब्द क्या है। आगे देखें, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, यह तेज, फास्ट माने तेज है, तीव्र गति का ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, तो यहाँ देखिए दिस इज ए फास्ट ट्रेन, तो ये फास्ट जो है किसकी विशेषता बता रहा है, तो ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि वो जो ट्रेन चल रही है वो धीमी गति से है कि तेज चल रही है। ठीक है, और द बॉय रन्स फास्ट, यहाँ देखिए द बॉय लड़का, रन्स दौड़ता है, क्या दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो दौड़ रहा है, लेकिन जो क्रिया कर रहा है दौड़ने का वो धीमी है कि तेज है कि मीडियम है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फास्ट है, तो फास्ट गति से दौड़ रहा है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये फास्ट ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, यानी ट्रेन एक नाउन है, नाउन की विशेषता को बता रहा है, तो इसलिए यह एडजेक्टिव है, और यही फास्ट किसकी विशेषता को बता रहा है,
तो क्रिया की विशेषता को बता रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। यानी ये फर्स्ट विशेषता ही बताता है, एक नाउन की विशेषता बता रहा है और एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो दोनों की विशेषता जब बताया तो क्या हुआ, ये अलग अलग हमने पार्ट कर दिया, एक एडजेक्टिव हो गया और एक एडवर्ब हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसलिए आप ऐसे शब्दों को गंभीरता से लें और वाक्यों में इनके प्रयोग देखने के बाद ही इनका वर्गीकरण करें। बिना वाक्य को देखे हम वर्गीकृत नहीं कर सकते कि वह वाक्य में जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है वह शब्द नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं। ये आठ जो पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट हैं, उनको हम बिना देखे किसी वाक्य में उनका प्रयोग के हिसाब से और उनके कार्य के हिसाब से, उनके स्थान के हिसाब से ही हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो नाउन का दिया जाएगा, अब इसको आप तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।